Practice India and I am your host दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, मुझे मिल गया मेरा खजाना। जी हाँ, ये मेरा खजाना ही तो है, क्योंकि बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा था इसका रिव्यू करने के लिए, बट मिल ही नहीं रहा था। मैंने ना अपना फ्रेंड तेलंगाना में रहता है उसको भी फोन किया कि भाई तेरे पास तो चुका ये ब्रांड, कम से कम वहां से एक भेज दे। तो वो भी सुपर एक्साइटेड था, बोला दादा आपको भेजू या मैं खुद पीऊं। मतलब इसका कुछ बन गया था। एवरी ऑल्टरनेटिव डे मेरे पास कोई ना कोई कमेंट्स आता ही रहता था कि दादा ओक्समिथ गोल्ड का रिव्यू कीजिए, ओक्समिथ गोल्ड का रिव्यू कीजिए, ओक्समिथ गोल्ड का रिव्यू कीजिए। मैं हो गया था परेशान, क्योंकि मुझे मिल ही नहीं रहा था ये ब्रांड। तो जब ये प्रोडक्ट मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने ना बहुत रिसर्च किया इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, ओक्समिथ गोल्ड के बारे में, और मेरे पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आया जिससे सच में साबित होता है कि इस ब्रांड में कुछ है। और वो क्या है बिल्कुल मैं बताऊंगा। तो चलिए टाइम को ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ओक्समिथ गोल्ड ये जो ब्रांड है ये प्रीमियम आईएमएफएल ब्रांड है, मतलब ये एक इंडियन हुस्की है, बट इसमें जो क्राफ्टमैनशिप छुपा हुआ है वो है जापान का क्राफ्टमैनशिप, और ये इंटरनेशनल विस्की है। जी हाँ, 3 कॉन्टिनेंट को एक साथ इकट्ठा ब्लेंड किया गया है इस विस्की में, सो इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल विस्की। जैसे अमेरिकन विस्की, स्कॉटिश विस्की एंड इंडियन विस्की का ब्लेंड है, साथ में है जापानीज क्राफ्टमैनशिप। और वो क्या है थोड़ी देर बाद जानेंगे, बट उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग और बात है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप कितना जानते हैं जापानीज विस्कीज के बारे में? मेरे ख्याल से शायद बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ आपने जरूर यामाजाकी और हिबिकी का नाम सुना है। और मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो 2 ब्रांड है यामाजाकी और हिबिकी, ये सुपर प्रीमियम इंटरनेशनल क्वालिटी जापानीज विस्की है जो वर्ल्ड फेमस है, और उसी का टीम इस ब्रांड को भी बनाया है। सो बीम संतोरी इज अ वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट वाइन एंड स्पिरिट सेलिंग कंपनी है। बीम संतोरी की पोर्टफोलियो में बनता है टीचर्स, हाइलैंड क्रीम आप अक्सर पिए होंगे, जिम बीम आप पीते होंगे, लेफ्रॉय, बोमोर, आर्डमोर, सोजा, ऐसा बहुत सारा ब्रांड है, और उसी के अंडर में बनता है ये ओक्समिथ गोल्ड विस्की। फ्रेंड, जब ऐसा बड़ा कंपनी एक इंडियन मार्केट के लिए सोचता है कि इंडियन मार्केट में एक ब्रांड को लॉन्च करेगा कंप्लीटली इंडियन व्हिस्की, तब इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च होगा, ये तो जायज बात है। और सच में अगर मैं बताऊं तो इसमें बहुत बड़ा रिसर्च काम किया है, और वो रिसर्च का फल जो है वो अभी मिल रहा है ओक्समिथ को। रिसर्च क्या था थोड़ा सा और बात करते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताया था कि जापानीज क्राफ्टमैनशिप इसमें इन्वॉल्व है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर जापान एक प्रैक्टिस हमेशा करता है जब भी वो विस्की बनाता है, उसका नाम है गेंबा। गेंबा इज अ जापानीज टर्म मीनिंग द रियल प्लेस। अ बिजनेस इज रेफर्स टू अ प्लेस वेयर वैल्यू इज क्रिएटेड। आइडिया इज सिंपल, टू गो टू द सोर्स, टू डू द रिसर्च एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर बिहेवियर। एंड इस काम को अंजाम देने के लिए वर्ल्ड मोस्ट रिनाउंड मास्टर ब्लेंडर एंड चीफ ब्लेंडर ऑफ संतोरी मिस्टर शिंजी फुकुयो को चुना गया। आप शायद इस मास्टर ब्लेंडर का नाम नहीं सुना, मतलब शिंजी फुकुयो का नाम नहीं सुना, बट आपने जरूर सुना होगा यामाजाकी और हिबिकी का नाम, जो आज वर्ल्ड वाइड इतना फेमस ब्रांड है। जापानीज व्हिस्की और जापानीज सिंगल मॉल्ट व्हिस्की का नाम आज पूरा वर्ल्ड में छा चुका है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय एक मास्टर ब्लेंडर को जाता है, वो है मिस्टर शिंजी फुकुयो। और ये मिस्टर शिंजी फुकुयो ही है जो ओक्समिथ को भी जन्म दिया है, मतलब बनाया है आपके लिए। पैशन किस कदर इन्वॉल्व है एक बार इमेजिन कीजिए कि मिस्टर शिंजी फुकुयो खुद 2018 एंड 2009 के बीच 6 टाइम्स इंडिया में आए, और हर एक छोटे ढाबे या छोटे बार्स में, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में, इवन जहां पर स्टोर है, बार स्टोर है, सब जगह जाके ड्रिंक्स को पिया, खाना ऑर्डर दिया, इंडियन फूड को टेस्ट किया, और इंडियन पैलेट है उसको प्रॉपरली समझने के लिए इंडिया में बार बार आना और हर एक फूड और ड्रिंक के साथ उसको एक्सपेरिमेंट करना, उस फूड के साथ कंपेयर करके ड्रिंक्स को करना, ये मिस्टर फुकुयो को बहुत एक्सपीरियंस कर दिया था इंडियन पैलेट को समझने के लिए। व्हेन ही वेंट बैक टू जापान ही मेड अ बेस्ट व्हिस्की ब्लेंड एंड modified further with the result from the additional market report and the final blend आपके सामने हाजिर है as a Oaksmith Gold। कि जापान जब भी कुछ करता है तो कुछ ना कुछ यूनिक होता है, जैसे कि इस ब्लेंड में 3 डिफरेंट काइंड ऑफ विस्कीज का ब्लेंड है। यहाँ पर है बर्बन, यहाँ पर है स्कॉच और यहाँ पर है इंडियन ग्रेन स्पिरिट का कॉम्बिनेशन, मतलब ट्रूली इंटरनेशनल विस्की। सो अगर बर्बन का बात करूं तो स्ट्रेट केंटकी बर्बन विस्की को यूज किया गया है, मतलब एलिगेंट स्मूथ एंड रिफाइंड विस्की जिसको 4 years एज किया गया है न्यूली चार्ड व्हाइट ओक अमेरिकन बैरल्स में। और अगर स्कॉच का बात करूं तो हाईलैंड रीजन का 100% एज्ड एटलीस्ट 3 years तो एज होना ही चाहिए। 100% एज स्कॉच विस्कीज को ओक्समिथ में ब्लेंड किया गया है और जिन व्हिस्कीज को केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है दे नोन फॉर हनीड स्वीटनेस, डिलीशियस क्रीमी टेक्सचर्स एंड मच मोर कैरेक्टर एज देयर होम, आई मीन टू से हाईलैंड रीजियन जैसा। एंड फाइनली इंडियन प्रीमियम क्वालिटी मिक्स्ड ग्रेन व्हिस्कीज को इस ब्लेंड में मिलाया गया है और वो भी बीम संतोरी का पोर्टफोलियो से लिया गया है। और इस पूरे व्हिस्की मेकिंग प्रोसेस में अगर जापानीज डिस्टिलेशंस टू क्वालिटी एंड क्राफ्टमैनशिप का बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूंगा जहां से आपको मिलता है द फाइन बैलेंस ऑफ स्मोकीनेस, स्वीटनेस, स्मूथनेस ऑफ द रेयर ब्लेंड ऑफ ओक्समिथ गोल्ड व्हिस्की। अगर प्राइस का बात बोलूं तो इसका प्राइस है कोलकाता में 1240, मतलब 1240 रुपए। बहुत ही स्टैंडर्ड एक प्राइस रखा गया है इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए और इसी में शायद 100% सक्सेस का राज भी छुपा हुआ है कि आपको एक सच में ट्रूली इंटरनेशनल क्वालिटी उसके मिलने वाला है और वो भी एक स्टैंडर्ड प्राइस में, मतलब खड़ा टक्कर देने वाला है ब्लेंडर स्प्राइट को, सिग्नेचर को और एंटीक्विटी ब्लू जैसा उस सेगमेंट वाले व्हिस्कीज को। और ये जो ओक्समिथ नाम को चुना गया ये जस्टिफाई करता है क्योंकि इट इज अ ट्रिब्यूट टू दिस क्राफ्टमैनशिप एंड द फाइन ओक कास्ट जिनमें व्हिस्कीज को एज किया जाता है। सो फ्रेंड अभी है टेस्टिंग टाइम, तो चलिए ओक्समिथ को ओपन करते हैं और टेस्ट करते हैं थोड़ा। कलर का अगर बात करूं तो इट्स कॉपर गोल्ड कलर और नोज ग्रेन उसकी का जो शार्पनेस है ना वो मुझे यहाँ पर काफी मिल रहा है, साथ में ड्राई फ्रूट्स जैसे कि रेजिन और हनी नोट्स मुझे मिल रहा है। एक्चुअली ना मुझे वो बर्बन व्हिस्की का ये याद दिला रहा है, जैसे जैसे मैं नोज को आगे बढ़ा रहा हूँ तो बर्बन नोट्स भी मिल रहा है, बहुत अच्छा। कि इसका कारण हो सकता है क्योंकि इसमें बर्बन व्हिस्की को डाला गया है एंड आई कैन गेट अ हिंट ऑफ पीट नोट्स अगेन। आई थिंक जो व्हिस्कीज को इसमें इस्तेमाल किया गया है वो पीटी व्हिस्कीज है शायद, तो इसलिए मुझे वो पीट नोट्स भी मिल रहा है, कुछ फ्लोरल नोट्स भी मिल रहा है। चलिए सो पैलेट्स में देखते हैं। सरप्राइजिंगली स्मूथ, ऑनेस्टली बता रहा हूं कि मुझे बहुत अच्छा स्मूथ लगा एंड सरप्राइजिंगली स्वीट भी, काफी स्वीट है ये व्हिस्की। एंड मैं बोलूंगा कि कुछ फ्रूटी नोट्स भी मुझे मिल रहा है। अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो ग्रीन एप्पल मिल रहा है मुझे, साथ में कुछ हद तक ऊडी नोट्स भी आ रहा है। एग्जैक्टली स्मोकी नहीं है बट ऊडी है। समहाउ ये जो व्हिस्कीज है बर्बन व्हिस्कीज को जिसको 4 ओक बैरल में मैच्योर किया गया है उसके कारण शायद वो ऊडी इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है। एंड फिनिश इज कंप्लीटली क्लीन एंड स्मूथ इनफ टू ड्रिंक, क्योंकि ऐसा प्राइस पॉइंट में जो व्हिस्की आपको मिलने वाला है शायद वो आपको कभी ना मिले। एक चीज आपको बोलना चाहूंगा इस व्हिस्की का खासियत कि इसमें कोई फ्लेवरिंग एजेंट को डाला नहीं गया है, मतलब जितने भी नोट्स अब तक मुझे मिला है वो बिल्कुल नेचुरल है। और तो और इस व्हिस्की को एंजॉय करने के लिए इंडियन क्लाइमेट में मैं बोलूंगा कि आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके पी सकते हैं या ऑन द रॉक्स भी बहुत बेस्ट होगा। सोडा भी आप डाल सकते हैं। जी हाँ, सोडा भी आप डाल सकते हैं। तो लास्ट में एक सवाल कि क्या ये आप जापानीज विस्कीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं? तो मैं बोलूंगा नहीं, आप जापानीज विस्कीज के साथ इस विस्की को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो क्या आप रेगुलर इंडियन विस्कीज के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि मैं बोलूंगा कि कुछ प्रीमियम क्वालिटी स्कॉच जो इंडिया में अवेलेबल है उसके साथ भी आप कंपेयर करके इसको पी सकते हैं। मैं तो कुछ विस्कीज ऐसा भी है उससे भी आगे रखूंगा ओक्समिक्स को। मैं बोलूंगा कि इट वुड बी अ सब्सटीट्यूट फॉर योर सिंगल मॉल्ट। अगर आप सिंगल मॉल्ट पीते हैं, अगर हर रोज पीना नहीं चाहते हैं, थोड़ा मनी को सेव करना चाहते हैं, तो ओक्समिथ वुड बी द अल्टीमेट चॉइस एंड बेस्ट फॉर कॉकटेल, बेस्ट फॉर कॉकटेल। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल, नए मॉकटेल, नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड डोंट डू चिल्स, डू जय हो।